हाँ जी बोले, क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर अभी 4 days before हाँ जी, हाँ जी, जो लेडीज जो खुद बीमार थी उनके हस्बैंड आए थे कि लेडीज की जो हालत है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, आप देख लेंगे क्या, बाहर हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते हम इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लॉकडाउन पूरा है हाँ और जी, हाँ जी, सिचुएशंस भी बहुत ज्यादा ही क्रूशियल टाइप में ही चल रही है, कभी कुछ करके। तो हमने उन्हें बुलाया, देखने पे पता चला कि उनके आधा जो सिर था उसमें पेन था, पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो था उसका पेन कर रहा था, शोल्डर में भी था, हाथ में भी था, और 2 दिन से वॉमिटिंग्स उसको कंटिन्यू चल रही थी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ खा नहीं पा रहे थे, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। तो उनको जस्ट स्टार्टिंग हमने पीएनएसटी से किया, पीएनएसटी करने सबसे पहले जब उसका ऑक्सीमीटर लगाया कि कुछ कोई कोरोना चेस तो नहीं है, तो ऑक्सीमीटर तो ऑक्सीजन लेवल तो ठीक आ रहा था, बट पल्स इज ऑलमोस्ट 55। तो हमने सर उनको फर्स्ट स्टार्टिंग में पीएनएसटी दिया, पीएनएसटी देके जो लोकल बेसिक पीएनएसटी था वो उनको दिया गया। पीएनएसटी देने के बाद में उनका ऑलमोस्ट 80% रिकवरी उसी वक्त हुआ। वंडरफुल। जो पेन उनका था ओवरऑल हाथ में और शोल्डर पे, उनके सिर पे आधा सिर पूरा दर्द कर रहा था, तो उसमें उनको 80% का रिलीफ तो इमीडिएट आ गया। एंड फिर जैसे कि ऑक्सीमीटर मैंने उनको अटैच किया हुआ था साथ में कि उनका क्या रिकवरी रहता है, तो पल्स जो था वो ऑलमोस्ट 1 और 2, 1 और 2 के वेरिएंट से ही बढ़ रही थी। तो जो अपने जिंगवेल पॉइंट्स है, कुछ टाइम के लिए जिंगवेल पॉइंट्स पे मैंने जो अपने ईयर सीड्स होते हैं बकार्डी सीड्स, मैंने कुछ टाइम के लिए उन पे पेस्ट करके और आधा घंटा उनको वहीं पे रिलैक्स कराया, सब विद इन हाफ एन आवर आई गेट पल्स इज रिकवरिंग फ्रॉम 55 to 88। वंडरफुल, वंडरफुल, एंड जब उनको उसी टाइम पे, क्योंकि आधा से 1 घंटा ही वो मेरे पास में क्लिनिक पे रही थी, और उस टाइम पे जब उनको उठा करके वापस चलने के लिए बोला गया, जो पहले बिल्कुल 2 लोग पकड़ के उनको लेके आए थे, वो बोले थे हाँ नाउ आई एम फीलिंग बेटर, थोड़ा बहुत पेन रह गया पर लगता है कि हाँ थोड़ी देर में ये भी ठीक हो जाएगा। सेकेंड डे मैंने उनको फिर विजिट के लिए बुलाया था, तो सेकेंड डे जब वो आई हैं तो उनका ये कहना है कि मैं यहाँ से जाते ही सो गई हूँ, ओआरएस उन्होंने पिया, ओआरएस पी के वो सो गई हैं, और सोने के बाद रात को 1 बजे उन्होंने 2 दिन के बाद खाना खाया, वंडरफुल। 2 दिन के बाद उन्होंने रात को 1 बजे खाना खाया, कोई पेन नहीं रहा, बिल्कुल ठीक रही। हाँ नेक्स्ट डे उनको क्योंकि बुलाया भी गया था, 3 बजे के आसपास उनको पेन वापस थोड़ा बहुत रहा, जो कि लास्ट टाइम से ऑलमोस्ट 20 और 30% ही था, जो सेकंड सिटिंग देते के साथ में बिल्कुल क्योर हो गया सर। वंडरफुल, वंडरफुल। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ समवन वाज आस्किंग टू स्पीक इन इंग्लिश। So she was a patient came to her and she was her pulse was very low, she was in terrible pain and she was vomiting. So and the pulse was around 50, less than 50, around 50 and 60. So she did PNST and immediately she can feel the changes. Then she put some seeds on the jingle point and she got wonderful result with this PNST. And patient got 80% result after first sitting. So this is the way there was a shift from the balancing the autonomic nervous system. So this gave wonderful results. Very good, very good. Wonderful. और किसी का कोई एक्सपीरियंस? सर मैं बोलना चाहती हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर मनीषा हाँ जी, हाँ जी, सर मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम, मेरी मम्मी को ट्रेमर था, हैंड्स बहुत शेक हो रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, उंगलियां जस्ट लाइक डांसिंग। तो फिर मैंने लास्ट संडे आपकी क्लास की थी और पीएनएसटी किया, C5 C6 मेन बेसिक पीएनएसटी किया, और उसके बाद सर्वाइकल में C4 C5 C6 C7 हॉट हॉट जी आर जी लाइन एंड यूबी लाइन उस एरिया में दिया, एंड जस्ट आई हैड पुट द सीड इन द C5 C6 C7। मुझे नहीं मालूम, फोर जब मैं आ रही थी थर्सडे के दिन, तो उनका हैंडशेक में समझ लीजिए 70-80% जो ट्रिमर था वो कम हो गया।
ओनली 10-20%। और भी मैंने कई दो तीन जने को किया, दो सिटिंग में दे आर सेइंग कि काफी रिलैक्स हो रहा है, एंड एक जने को कान में आवाज आ रही थी, तो दो सिटिंग के बाद सी सेड की कान की आवाज में काफी कम हो गया है। वेरी गुड, वंडरफुल। मतलब मोर ऑर लेस 70-80% जो कान में आवाज आ रही थी, एंड उसको ब्रेन में हमेशा हेवीनेस दिखता था, वो सी सेड के बाद मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। वेरी गुड, वंडरफुल रिजल्ट, वंडरफुल। और नींद भी अच्छी आ रही है सर पीएनएसटी करने के बाद। यस यस, वो नर्वस सिस्टम हार्मोनाइज हो रही है ना, सो वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सर व्हेन आई हैव डन टू माय मम्मी, तो उस दिन वो रात में अच्छे से सो पा रही थी। सो नर्वस सिस्टम को हार्मोनाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? Smile evening, sir. Sir, I just tried only, like, you know, my father, he on and off, he keeps complaining pain in his right hand, index and middle finger. So it's, I know it's because of age related also, as he's 95 years old. I keep trying other systems also, but again, it comes off. So other day when I learned this, so it was C6, C7 going to that. Basically, it's C7. So I know he won't take the pain of that probe as it's very sharp. So I just applied a chain of 4 seeds, taking all C5, C6, C7, and the end C8 also. That the whole lower lobe. And sir, I think within minutes, he said he is much better. So definitely, it's a... You know, it's a good experience that we get when we get to learn something new, and instantly we get the results. Like, yes. And I practice myself. I think I was doing a little wrong. I was giving more harder pressure with the probe. Mm-hmm. But after seeing the demo video of today of Shruti ji, Shruti ji, unka naam? Namrata. So she's holding very lightly. Yes. Nandini. Eh? Namrata. So she was holding very lightly. I think I was making a mistake. मैं little stroke harder दे रही हूँ when I'm giving action only to myself. उससे क्या वो मेरी नींद गायब होगी impact. Overstimulation शायद हो गया है. And usually I'm not the person who doesn't sleep. I just have to keep my head on the pillow and I fall to sleep. But last 2 days I little this thing. So seeing her today's video, I got a clue where I made the mistake. Yes. So that it's very important that we don't have to overdo it. Yes. So I just wanted to share that doing is good, but overdoing is also not giving the other effects. Yes. Thank you, sir. Sirji, hamara wo Jimmy abhi tak nahi pahuncha hai. Dhoondte rehte hum. Abhi tak nahi pahuncha hai. Nahi. Acha. Main. One special is coming. सोना चांदी का आ जाएगा मेरे लिए। I will check. I will send you the tracking ID. Okay sir. सर मैं तो खाली जिमी से ही कर रही हूँ, जिमी से। Okay, yeah, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। And तो पेंसिल वाला जैसा है ना जिमी? Yes. Just I'm doing. कौन से सर? ये थोड़ा शार्क हो। शार्क। सर टूथपिक तो बेस्ट होती है। टूथपिक से भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा टूथपिक से भी कर सकते हैं? हाँ जी। टूथपिक। ओके। तो वो ट्राई कर लेंगे सर। जब तक आपके पास प्रोब नहीं आता है, ट्राई विद टूथपिक। ओके। सर। यस जी। सर अबाउट राधिका जी, यू नो हर। हाँ। सर, आई ट्राइड ऑन हर ट्राइजेनियल नर्व्स। यस। आई गिव द बेसिक पीएनएसटी विद फेस एंड ऑल द पॉइंट्स एंड देन डिड मसाज ऑन द ट्राइजेनियल नर्व। Okay. And past 3 days she didn't call me about her pain. Wonderful. Otherwise she used to call me daily. Wonderful. Yeah. For trigeminal neuralgia, it will get wonderful result with this PNST, basic PNST itself. Good. Yes. So I wanted to ask you on some of the things which are degenerative diseases. So let's say somebody's got osteoarthritis of the knee. So there is some inflammation.
So once we do PNST, what I have seen for myself is I have knee pain, but when I do PNST, the pain goes away, but it comes back. Yes, so I've only done it for 2 days, so I can't say what will be the, but how does it also take care of curing some of those reasons because of which the pain is there? Yeah, yeah. But not only see for chronic disease, what Dr. Nagata is saying that he is using PNST, and along with PNST, he is using diet, changing the diet, lifestyle, exercise, and meditation and all everything. He's combining everything. So he's not doing only PNST. So for acute condition, only PNST is enough, but for chronic condition, definitely we need to add everything. And I told in the very first video that professor explained about the cause of the disease, and we need to find out if the cause is about food, we need to correct lifestyle, we need to include exercise in our lifestyle and meditation, everything, mental condition, there is a complex between body and mind. So we have to look after everything, for at least for chronic cases, definitely we have to add. Right. Thank you. Hello, sir. Yeah, I want to ask one question. Means patient ko agar OPLL hai, that is nerve cord compression hai. Nerve root to hoga hi cure isse, lekin nerve cord compression hai at many places due to OPLL. So kya ye PNST usme helpful ho sakta hai fir? Definitely symptomatic to unko result aana hi aana hai. Aayega hi aayega. Okay, sir. And once a day karna hai na PNST? Chronic condition में alternative days पे better रहेगा. Okay, it's chronic, sir. Yeah, alternative days. Okay, sir. Thank you. Sir, but when the pain is gone, patient don't call up, sir. Then chronic cases है and they feel painless, so they are sitting at home. So how much time we? Sometimes we get result in one sitting. So if patient is not calling, it's good. When they have pain, they will call you. Okay, sir. At that time, we need to explain them. We need to do some few sittings, so we can do twice a week like that, and then gradually we can stop. Okay, sir. Sir. Yes. When we do prickling on the back, that is the zero point, and then there is this that is zero line. Then you said to do it in Vatva G points also. Yes. Yes. And if we follow the UB meridian, ki dual lines are also coming through along that. Yes, yes. Since I'm not very, I don't know about body acupuncture, I have a feeling that the UB inner line is more or less the same as the Vatvaji line. No. There is a difference in there. There is a difference. How much on the body, if we have to just judge from the zero line, how many centimeters would be Vatvaji line? What then would be the distance to the UB inner line? Yeah, I have left practicing TCM. And sir, UB is Tukan. Yeah, so she can tell you. Tukan. Tukan from the spine, zero line. From the zero line. 0.5 kan. Yeah. Sorry, come again, please. Sorry, once again. Orthogiaji is 0.5 kan. Okay. Kan means your one thumb. Yes, one soon, that you call it. Yes. And UB is 2 kan. Okay. First line is 2 kan and second line is 3 kan. 2 kan. 2 sun, she is saying. Vatvaji is 0.5. No. First line of UB, first line is 2 kan. And next two line? Chun. Next is again 2 chun. Yani 4 chun. Okay. So what is the meaning of kan? Sun. Sun or chun or kan. We see you and kan. There is, in China, they spell as chun. In centimeters? Not centimeter. It's your thumb. ये thumb का ये जो distance है, this is one kan. Okay. One sun, you can say. This is. And sir, two fingers is three sun. The three finger is two sun. Three fingers is two sun. Body acupuncture मैंने 2008 में छोड़ दिया. Yes. Ramanji was showing how to do it. There was a free webinar. He showed only clockwise, sir, the movement. There was no anti-clockwise movement, at least on that webinar. Okay. So where? Yes, because whenever we make the spiral and the spiral movements that we have to make on the back, wherever it is we have pain,
Yes, so yes, that yes. was only made clockwise direction. Yeah, yeah. See, in general, they do clockwise, but in Sujog, we can add our knowledge of clockwise and anti-clockwise. They don't. So when it is less, we will increase it by clockwise, and if it is excess, we'll go with the anti-clockwise. No, I was telling about the inside and yang side. We can change inside the moment. We know clockwise, yang side. We know anti-clockwise. So accordingly, we can do. See, they don't have so the knowledge. So we are going of, as per to the chakra movement. Yes, yes, yes. They don't have the knowledge of chakra. They know only the meridian acupuncture knowledge. So they are doing as per that knowledge. Okay, we can combine our sujog knowledge. Okay, sir. Okay. So, but sir, we have to see it will be application. Then only we'll come to know. Yes, right. Yes, yes. Sir, may I? Okay, sir. Thank you. Yes, yes. Excuse me, sir. But in eyes, मतलब जब मैंने देखा उनका तो उसमें he said कि clockwise और anti-clockwise doesn't matter. See, for them it doesn't matter, okay, because they don't have that consciousness. Okay, we know sujog, we know the flow and all, and we can do accordingly in our body. Okay. And the head points, he said कि all are the acupuncture points. Now see, again, they are acupuncturists. They are trying to match this knowledge with the acupuncture science, right? But in the book of Dr. Nagata, he has clearly written that it is not based on traditional acupuncture. It is based on Dharma terms. And he has developed this science based combining both the science, but these points are not following the acupuncture meridian or acupuncture point. He has clearly mentioned in his book. Okay, but since they are acupuncturists, so they are trying to find which point is acupuncture point, and they are trying to explain through acupuncture point. But he has not written anything about acupuncture points in his book. So don't worry about it. Okay. And sir, again, zero needle is like when ear acupuncture mein, so use karte seeds. It's like that zero needle? No. Zero needle is something different. It is a little bit costly also. Again, that zero needle we can substitute with our correspondence point. So what we are doing in our clinic, we are doing 60 acupuncture, then we are doing PNHT, then we are doing moxibustion, and then we are doing the seeds. So because the PNHT should be followed with the moxa, heat therapy. So we are doing like that. So instead of zero needle, we can use correspondence system, and correspondence system itself is a healing method we know and we are using. So we can combine these two. नहीं सर, जैसे नर्व पाथवे में हम स्टिमुलेट करते हैं, प्रिकलिंग करते हैं, जैसे या मुझे पता है, या दे आर डूइंग, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई विल प्रेफर स्टिमुलेटिंग ऑन द कॉरेस्पोंडेंस पॉइंट. वी आर नॉट यूजिंग नर्व पाथवे इन आवर क्लिनिक. एक्सक्यूज मी सर. हां जी सर. व्हाट इज इन सेल्फ हेल्प? सेल्फ हेल्प मींस वी कैन टीच आवर पेशेंट how to stimulate this point and they can take care of themselves. See, these are very simple techniques. Now we can teach, they can stimulate with the toothpick. We have to teach them to use toothpicks, so they can use this at least the jingle point and head in the spiral way in the face. They can do also little bit. So but they can't do all the points like on the back. Yeah. That's why it will self-help means it will help them. Say if they are coming once in a week or twice in a week, then in between they can do. And it will help the healing process. Okay, sir. They cannot do the complete healing. Hanji. Yeah. Hanji. So they have to come for the full treatment in a clinic. Few points they can do. Yes, yes. Thanks, sir. Thank you. Sir, sciatica pain mein PNHT bahut acha result de raha. Paon ke middle mein jo line hai, agar wahan pe karte hain to sciatica mein bahut matlab immediate result de raha. Main 2-3 pe try kari. और दोनों तीनों पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. बॉडी में डायरेक्ट आपने किया? हाँ, डायरेक्ट बॉडी में. पांव नीचे के साइड जो होता है पांव के एकदम सेंटर में, वहां पे पीएनएसटी कर रही हूं तो इमीडिएट रिजल्ट दे रहा. गुड गुड, वेरी गुड, वंडरफुल. लेकिन सर वो वापस आता है, लेकिन आफ्टर 3-4 डेज अगेन कंप्लेनिंग द सेम पेन. या सी सर, उसके लिए सुजोग करना होगा. Yes, with Sujo. Also tried, sir. Yeah. Actually, with... now the correspondings पे भी उसमें अच्छा result आ रहा है CRT का में. Yes, yes. Again, see, again with Sujo. After doing Sujo also, then we need to teach posture. See, we have to find the root cause, and for all back pain, knee pain, ankle pain, any kind of this pain, muscular joint pain,
posture is very important. We need to teach them. Otherwise, it will come back again and again. Sir, posture का भी एक class लीजिए. Yeah, yeah, yeah. मैं plan कर रहा हूँ. Even you know, posture में jaw का, tongue का भी posture important है. You will be surprised to know कि कितना deep study है. I will take. अभी मेरे पास काफी planning है for classes and all. So first to target a path of physio को finish, then I will start anything else. But definitely I will share the knowledge. Sir, please therapy के ऊपर class लीजिए ना. Which actually online possible नहीं. Twist बहुत अच्छा results देता है. बहुत अच्छा है. Joint पे twist कर सकते हैं आप लोग. We'll talk about this. Basically करते हैं sir, but immediate अच्छा result आ रहा है. Yeah, we'll talk. Maybe इसी में हम लोग बात कर लेंगे कभी. Just कैसे करना. So और किसी को share करना और we can move forward. Sir, for varicose, can we use the prickling the yes, pathway? Yes, we can use. Okay, sir. सर पार्किंसन के लिए कुछ अच्छे से बताइए सर. पार्किंसन तो बेस्ट है, इसी से स्टार्ट हुआ है पार्किंसन का. सर उसमें जैसे लिखा है पूरा स्पाइन लाइन में प्रिकलिंग करना है एंड द बेसिक पीएनएसटी तो करना ही है. बेसिक पीएनएसटी एंड स्पाइन एंड देन एसपी एंड जीवी लाइन पूरा मेरिडियन सर. नहीं स्पाइन के ऊपर आपको करना है पूरे स्पाइनल कॉर्ड. आपके नोट्स में उसमें साथ में लिखा हुआ है For high BP again, basic pain anesthesia with the spine we can do. Whole spine. So SP means a spleen meridian. हाँ जी. Okay. And sir, what is K22 and 26 sir in hypertension? It's given. It's kidney meridian point. So sir, some particular numbering are there sir, so we don't know that if. Don't worry. That is acupuncture points. Leave it. So we can do the whole kidney meridian. Yeah, we can do. See, kidney is very important for the blood pressure. You know, na in pathophysiology we have discussed. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir.